अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ क़ारिब, मैं हूँ शादाब असकर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब को तो आप सब लोग जानते हैं, जो आज के दौर में मोहब्बतें तकसीम करते हैं और हमेशा मुस्बत बात करने की बात करते हैं। उन्होंने फ़ारूक कैसर साहब, जिनको हम अंकल सरगम के नाम से भी जानते हैं, उनकी बरसी के ऊपर एक कॉलम लिखा और उनके कॉलम को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हमारे बचपन के हीरो थे। उनके उस कॉलम के ऊपर मैंने एक कमेंट किया, जिस कमेंट के ऊपर काफ़ी सारे लाइक्स आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे उस कमेंट के ऊपर इतने सारे लाइक्स आएंगे, तो मेरे मुलाकात के दौरान इफ्तिखार साहब से डिस्कस किया कि सर, आपके उस कॉलम के ऊपर, मेरे कमेंट के ऊपर इतने सारे लाइक्स आए जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो इफ्तिखार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। उन्होंने फरमाया कि बेटा, ज़िंदगी में जब भी कभी मुस्बत बात करोगे तो आपको लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगी। उनकी इस बात ने मुझे इनक्रेज किया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक चैनल बनाऊं जिसके ऊपर मैं पॉजिटिव बात करूं, क्योंकि इफ्तिखार साहब फरमाते हैं कि जो पॉजिटिव बात होती है, जो मुस्बत बात होती है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। वो आप दुनिया के किसी भी दौर में कभी भी जब उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे, वो हमेशा फ़्रेश लगती है। तो मेरे चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं कोई पॉजिटिव बात करूं। मुआशरे के अंदर जो है वो बेचैनी इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर कोई एक मुस्बत पहलू जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास आपको अमल नहीं करना पड़ता। तो कुछ रोज़ पहले जब मैं अपने चैनल के स्टैट्स देख रहा था, तो उसमें वीकली रीकैप के ऊपर एक क्विज़ आया, जिसमें लिखा हुआ था कि आप बताएं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो किस मुल्क में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। तो मैंने जब पाकिस्तान सेलेक्ट किया, तो मुझे ये बताया गया कि आपका ये जो आंसर है ये गलत है, आपकी वीडियोस सबसे ज़्यादा आपके जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पर देखी जाती हैं। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई और मुझे इफ्तिखार साहब की बात याद आ गई कि जब भी आप कोई मुस्बत बात करते हैं, कोई पॉजिटिव बात करते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, तो फिर इस चीज़ का ताल्लुक नहीं रह जाता कि आपको देखने वालों का ताल्लुक किस खित्ते से है और उनकी ज़ुबान क्या है या उनका मज़हब क्या है। तो मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और पाकिस्तान और भारत और इसके अलावा तमाम ममालिक जहाँ पर भी मेरी कोई वीडियो देखता है और उसको लाइक करता है, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और अपना टाइम जो है वो कीमती वक्त निकाल के उसको शेयर भी करते हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। और अगर कोई सजेशन हो आपके लिए, आप मेरे बारे में, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या कोई टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि उसके ऊपर मुझे अपनी लबकुशाई करनी चाहिए, या कोई ऐसी बात हो जिस पर आप मुझे रहनुमाई देना चाहें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबकी मोहब्बतों का एक बार से दोबारा से शुक्रिया। اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم و صلی اللہ علیہ وسلم।